औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज हम टेस्टी रेसिपी पायस बनाते हैं। इजी प्रोसेस। हम घर में पायस जैसे शादी में होता है उस तरीका से हम पायस बनाएंगे। इसके लिए हम 150 ग्राम चावल लेंगे, 100 से 150 ग्राम तक। इसके बाद हम देसी घी लेंगे, कार्डमम ग्रीन कार्डमम पाउडर लेंगे, लौंग 4 से 5 लेंगे, काजू लेंगे, कैश्यू नट, किशमिश लेंगे, चीनी लेंगे, मिल्क मेड लेंगे, 250 ग्राम मिल्क मेड है और काव मिल्क लें 2 लीटर, उसको हम उबालने के लिए रख चुके हैं। चलिए आज हम तैयार करते हैं किस तरीके से पायस बनाएंगे। एक बड़ी सी कंटेनर लेंगे, उसमें हम घी डाल लेंगे, उसके बाद हम 4 से 5 लौंग डालेंगे। लौंग डालने से ज़्यादा खुशबू आती है घी में। इसमें हम अब 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, इसे हम अब थोड़ी सी ब्राउन करेंगे। चावल को धोकर 2 घंटे भिगा कर रखा था, उसे हम छान चुके हैं। अच्छी तरीके से छान लेना। उसके बाद हम जैसे ही चीनी लाल हो जाए, ब्राउन कलर हो जाए, उसमें हम भिगी हुई चावल को डालेंगे। राइस, यह हमारी घर का पिंपड़ीवास चावल है। पिंपड़ीवास बोलने से जी क्या बोलते हैं उसे, नवा भी बोलते हैं, पिंपड़ी बास बोलते हैं, काला जीरी भी बोलते हैं। अलग तरह का तरीका का चावल है, बहुत खुशबू आती है। यह अब हम हो गया है ब्राउन कलर, इसमें हम अब छानी हुई चावल डालेंगे। थोड़ा सा चावल ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो चावल फ्राई, तो हम अगला हुआ दूध डाल देंगे। इसी तरीका से शादी में बनती है पायस। राइस हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम एकदम लो फ्लेम कर देंगे गैस। उसके बाद इसमें मिल्क डालेंगे। इस तरीके से हम चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। बराबर ऐसी चलाते रहें। वरना नीचे लग जाएगी दाग, बहुत ही जल्दी लगती है दाग। इस तरीका से तैयार होता चला है। इसी तरीका से हम इसे
चलाता रहना। बाद में इसमें हम मिल्क मेड डालेंगे, चीनी डालेंगे, शुगर, कैडमम पाउडर डालेंगे। इस तरीके से हमारी पायस बनकर तैयार होता है। इसे हम अब 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में बनाएंगे। लो फ्लेम कर देंगे, लो फ्लेम में हम बनाएंगे। चावल बॉयल हो जाए तो अच्छी तरीके से इसे हम मिल्क मेड डालेंगे, शुगर डालेंगे और ग्रीन कैडमम डालेंगे। पहले से शुगर डाल दिए तो, चीनी डाल दिए तो चावल पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम पूरा हो जाएगा इसके बाद शुगर मिल्क मेड सब डालेंगे। दिखाते हैं फिर इस तरीके से हम इसे ढक लेंगे और इसे 20 से 25 मिनट लो फ्लेम में बनाएंगे। 20 से 25 मिनट हो चुका है, देखते हैं। बीच बीच में चेक किए थे, देखते हैं दाना कितना इसका नरम हुआ है। अच्छी तरीके से हो गया है, देखो। इसे हम अब मसलने के लिए ऐसी चीज़ में हम इसे ऐसे चलाएंगे, लो फ्लेम, ऐसी चीज़ ऐसे ऐसे हम ऐसी चीज़ में हम इसे हम ऐसी तरीक़े से चलाएंगे। बड़ी होशियारी से करना। बहुत ज़्यादा चटकता है, फूटता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम में इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस तरीके से हो जाने से इसमें हम मिल्क मेड डालेंगे। इसमें अब शुगर डालेंगे, आपका मर्जी, ज़्यादा मीठा चाहिए लेकिन आपका मर्जी, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कर्डमम पाउडर डाल देंगे, 4 से 5, 6 तक कर्डमम पाउडर डाल। इसे हम इसी तरीके से चलाएंगे। तरीके से हम इसे चलाते हुए एक उबालने देते। टेस्ट बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 चुटकी 2 पिंच नमक डालेंगे। इस तरीके से हम इसे चलाते हुए इसे बनाएंगे। मिल्क मेड और खोआ इसका पायस का जान होता है। मेरे पास खोआ नहीं था इसलिए मैं मिल्क मेड डाल के सिर्फ बनाई हूँ। आप चाहें तो खोआ डालेंगे, मिल्क मेड डालेंगे, दूध से बनाएंगे इसे। इसी तरीके से बनाने से बहुत ही टेस्ट होता है, पूरा शादी के जैसे पायस होता है। शादी में जैसा बनता है पायस, उसी तरीके से हम बनाए। इसमें हम अब घी में भुना हुआ काजू और किशमिश डालेंगे। गार्निश के लिए रख लेंगे। ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालेंगे, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही टेस्ट होगा। अब इसे हम सर्व करेंगे। चलो अब सर्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा
टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ी सी काजू और किशमिश तला हुआ से गार्निश करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, कमेंट करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।